हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ रासत मिर्ज़ा और रासत मिर्ज़ा रिएक्शन पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। और कैसे हैं आप सब? नमस्ते, सत श्री अकाल, एक बार फिर आप सबको वेलकम। और आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। उस वीडियो को जो टाइटल देख के ही, उसकी वीडियो एक दो वीडियो मैंने देखी है, वो मुझे पहले ही देख के सोच कर ही बहुत ज़्यादा जो है ना हंसी आ रही है। तो आप भी आई थिंक आप भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। मोंटी रॉय या फिर एक लड़की है या एक धोखा, ठीक है? तो मोंटी रॉय के बारे में आपको नहीं मालूम तो आज आपको मोंटी रॉय के बारे में दिखाते हैं। अगर आप टिकटॉक यूज़र हैं तो आप मोंटी रॉय को जानते होंगे कि उनकी काफ़ी सारी वीडियो हैं यू टिकटॉक पर। मैंने भी वीडियो उनकी देखी हुई हैं, लेकिन ये भाई ने उनको कैसे रोस्ट किया है, रोस्ट आई थिंक, या तो रोस्ट हो सकता है तो या फिर उनके बारे में कोई वीडियो है या एक्सपोज किया है शायद उनको। तो देखते हैं मोंटी रॉय की वीडियोस, आपको पता है अगर आपने नहीं देखी तो चलिए मिलकर देखते हैं। तो ओरिजिनल वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उनको जरूर देखिए। टिकटॉक यूजर जो है, टिकटॉक लवर्स बहुत सारे लोग निकले हैं आगे, टैलेंटेड लोग, सिंगर्स, एक्टर्स, डांसर्स और काफ़ी सारे लोग जो है ना एक्टर्स निकले हैं टिकटॉक की वजह से। उनको काफ़ी सारे आगे चांस मिल रहे हैं एक्टिंग के, सिंगिंग के, डांसिंग के, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, गुड लक सबको मेरी तरफ से। ये मोंटी रॉय को देखते हैं आज, उसके बारे में कैसी वीडियो भाई ने बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। ये हारमोनियम बजा रहे हैं कि वालिद जो थे अब्बा हमारे, वो ये हारमोनियम छोड़ के मरे थे। मोइन अख्तर हारमोनियम बजाते थे, सल्यूट है यार, बहुत लेजेंडरी हारमोनियम खाते थे। अबे साले कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, ये बात नहीं है, जाहिर बात है। अब्बा हारमोनियम बजाते थे, कहाँ बजाते थे? किसी के पीछे बजाते थे। किसके पीछे बजाते? ऊंट के पीछे। क्या अबे साले, जब जाहिर जब हारमोनियम बजाएंगे तो माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल। स्वैग वाले चाचा, ये है स्वैग वाले चाचा। क्या कमाल का बर्थडे था यार, इतनी ज्यादा बर्थडे विशेस आई, इतने प्यार भरे मैसेजेस, मतलब मजा आ गया यार। थैंक यू सो मच, मतलब तुम लोगों की वजह से ना दिस वाज द बेस्ट बर्थडे एवर। लेकिन अभी बहुत छुट्टियां एंजॉय कर ली, नाउ टाइम टू गेट बैक टू वर्क। तो एक काम करते हैं, ईमेल्स वगैरह चेक करते हैं क्या ईमेल आए हुए हैं। रागिनी रॉय कहती है मेक अ रोस्ट वीडियो ऑन मोंटी रॉय। मोंटी रॉय ये कौन है? अच्छा नीचे इन्होंने वीडियोस भी अटैच करी हुई है मोंटी रॉय की। चलो फिर देखें भाई कौन है मोंटी रॉय। पहचान नहीं पाएंगे आप लड़की है या लड़का है। इसका रोस्ट क्यों करूं मैं, कितनी प्यारी है ये। कोई भी देख रहा है, मुझे बात बताओ, मोंटी रॉय का रोस्ट, मतलब इतनी प्यारी लड़की है, इसका रोस्ट कैसे कर सकता हूँ मैं। और भी वीडियोस है तो चलो वो भी देखते हैं। लड़कियां देख के भी बनेंगे, काश क्या हम ऐसी हैं, इतनी प्यारी लगती है इस बार, लगता है लड़की के हैं। दक्षिणा को वाली दिल में चारों हाँ वाला मुझे लगता है प्यार हो गया मुझे यार। और वीडियोस भी है भाई, और वीडियोस भी देखते हैं भाई। नेक्स्ट वीडियो देख लो, रसी में करता कुछ ज्यादा नहीं, मैं थोड़ा जया मांगता रब तेरे अगे, रसी में करता कुछ ज्यादा नहीं, मैं थोड़ा जया मांगता, एक बंगला पवा दे दूजा दुनिया फिरा दे, तीजा बन जा मैं सुपरस्टार। यार बिल्कुल नहीं बनना पसंद ला 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 मुझे प्यार, सच में ना प्यार हो गया, पहले देख लो ये लड़की कितनी प्यारी, सारी वीडियो देख लो भैया पहले ये लड़की। धोखा नजर का धोखा, बचना ऐसे नजर के धोखों से। शॉक्ड मुझे कुछ
टिकटॉक पर ऐसे लोग काफी सारे हैं जो लड़की का रोल करते हैं, लेकिन सबसे ब्यूटीफुल लड़का यही लग रहा है जो लड़की का कैरेक्टर करता है। अभी तक मेरा एक्सपीरियंस जो मैं टिकटॉक देखता हूँ, देखें कितना जबरदस्त चेंज है। भाई कोई और ढूंढ लो, कोई और ढूंढ लो मेरे भाई, रोल लूट लिया। देखो प्यार हो जो फर्स्ट टाइम देखेगा ना वो कभी भी पहचान नहीं पाएगा, फर्स्ट टाइम देखेगा टिकटॉक। कैसे बताऊंगा मैं किसी को कि मेरा प्यार अधूरा रह गया, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। वो भी इसलिए क्योंकि वो एक लड़की है, लड़का है। अमेजिंग तो तुम वो नहीं मस्ती वाला सीन है, मस्ती के ग्रैंड मस्ती। स्वीटहार्ट, ऑपरेशन के बाद मैं सचमुच ही में सक्सेस बन जाऊंगी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मैं अभी तक अपने दिमाग को ये नहीं समझा पा रहा कि ये लड़की, इतनी सुंदर लड़की जिसको मैंने अपना दिल दे दिया था, ये लड़की है ही नहीं, ये तो लड़का है। शर्म करो, कुछ अच्छा काम करो, अच्छी वीडियो बनाओ। अरे मजाक हो रहे नहीं, ये मजाक हो रहा है। अरे मैंने सुना था टिकटॉक वाले धोखेबाज है, पर ये तो अदे मार गए। टिकटॉक वाले ये क्या है, मर्द के पुत्र बनो, मर्द की गल करो। क्या से क्या हो गया, इतनी बंदी सुंदर, ये क्या निकला। That first beat is right on time, right on top. Like they say, that, 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 that. They say, that, 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 that. Like they say, that, 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 that. मैंने एक नी, दो नी, दस नी, बीस नी, सौ हजार बार ये बात बोली है एंड बार बार बोलूंगा, टिकटॉक ने इस देश की दुर्गति कर दी है। अब क्या करेगा, अखे कंट्री की फाइल हो गई लिए। और ये टिकटॉक वाले हैं जो आगे नहीं बढ़ने दे रहे यार, मतलब लड़के मेकअप लगा के लड़कियां बन रहे हैं, और ऐसी वैसी लड़कियां भी नहीं, मतलब लड़कियां भी कॉम्प्लेक्स खा जाए ऐसी लड़की बन रखा है यार ये बंदा। अगर सामने वाले को ना पता हो ना कि ये लड़का है तो यार हादसा। ये सारी गलती ना चाइना वालों की है, उन्होंने शुरू करा ना वो मेकअप वाला, कुछ भी बन जाते हैं मेकअप लगा के। गाना पंजाबी है और लुक बंगाली लग रही। इस लड़की के लिए तो लाइनें लग जाए भाई, लड़कों की रिश्तों की लाइनें लगी हो इस लड़की के लिए, इसके प्यार में पागल लौंडे अपनी हाथ की नजर काट रहे हैं, पता चल रहा है ये तो लड़का है। और भाई तुम मेकअप करके शक्ल तो बदल लेते हो। दिस इज धोखा मैन, धोखा है ये धोखे, ये धोखे। अब देखो टिकटॉक पे मीठे हैं जो भी हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम नॉट होमोफोबिक। तुम क्या बनना चाहते हो, लड़का बनना चाहते हो, लड़की बनना चाहते हो, या फिर कोई और जेंडर, आई हैव नो इशू। लेकिन यार ये तो धोखा है यार। मैं ऑनेस्टली तुम्हें बताता हूँ, मुझे नहीं पता था कि मोंटी रॉय कौन है, एंड मैंने ईमेल में जब पहली वीडियो देखी एंड आई वाज लाइक यार इसका रोस्ट मैं एक्चुअली मैं क्यों करूँ, ये तो अच्छी खासी सुंदर दिखने वाली लड़की है। लेकिन जब नीचे वाली दो तीन वीडियोस देखी तब पता चला कि ये लड़का है भाई, तब तो मेरे कदम से तोते उड़ गए। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, दिमाग खराब हो गया कि सही में भाई एक लड़का मेकअप करके इतनी सुंदर लड़की बन जाता है। भाई तालियां इस बंदे के लिए जो इतना बढ़िया मेकअप कर लेता है। लेकिन भाई ऐसे काम ना करो यार, खुदा से डरो, भगवान से डरो यार, शर्म करो यार। अरे शर्म करो, ऐसे मेकअप करके लड़की बनके घूम रहे हो, लड़कों के साथ इमोशंस के साथ खेल रहे हो तुम। एनीवेज गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अब हमारी वीडियोस रेगुलरली आएंगी आएंगी आएंगी, पक्का आएंगी। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अगली वीडियो में मिलते हैं फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू यार, इतनी अच्छी वीडियो बनाई है, बड़े प्यारे अंदाज में,
कोई उसमें गाली नहीं, ऐसा वाला रोस्ट मुझे जो है ना देखने में भी अच्छा लगेगा। रोस्ट बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जो बंदा गालियां दे, जो ऐसी वल्गर लैंग्वेज यूज करे, वो रोस्ट देखने का दिल नहीं करता। और भाई का रोस्ट देख के बहुत दिल खुश हुआ, बहुत अच्छी लगी वीडियो। और मैं इनकी वीडियोस पहले भी देखता रहता हूँ, सब्सक्राइब भी किया हुआ है पहले का चैनल, तो उनको मैं जो है ना लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा उनकी ओरिजिनल वीडियो का, वो क्लिक करके आप जरूर विजिट करिए उनको, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं। तो मोंटी राय जैसे बहुत सारे हैं टिकटॉक पर, लेकिन मोंटी राय जो लड़की का रूप धारण करते हैं ना, वो बेस्ट है। किसी भी लड़की को धोखा दे दें, लड़के को भी धोखा दे दें, अगर फर्स्ट टाइम कहीं निकले किसी को पता ना हो, तो मोंटी राय किसी भी लड़के को धोखा दे सकते हैं, लड़की को भी धोखा दे सकते हैं। तो टिकटॉक सारा खराब नहीं है, मैं भी टिकटॉक के अगेंस्ट था, मतलब कुछ 25% जो गालियां देते हैं, दूसरे के खिलाफ वीडियोस बनाते हैं, उस लेवल तक। लेकिन अगर आप बोलेंगे तो आपका टैलेंट है एक्टिंग का, तो आप उसमें आप इम्प्रूव कर सकते हैं, वीडियोस बना के रिहर्सल करके टिकटॉक पे वीडियो डालते हैं, लोग आपको लाइक करते हैं, आपके फॉलोअर बनते हैं, आपको तो आपको फिर आगे चांस मिलता है कहीं। ऐसे बहुत सारे सिंगर्स निकले हैं, बहुत सारे एक्टर्स निकले हैं, बहुत सारे लोग सादे सिंपल सिंपल लोग, वो सिर्फ अपनी सादगी की वजह से फेमस हो गए हैं, एक्टिंग की वजह से फेमस हो गए हैं। तो टिकटॉक टोटली जो है बुरा नहीं है, टिकटॉक के फायदे हैं, टिकटॉक आपके टैलेंट को निखारता है, आपके पास एक मौका है सोशल मीडिया पे, या यूट्यूब हो गया, टिकटॉक हो गया, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप अपनी वीडियो बना के उस पर पोस्ट कर सकते हैं। तो पब्लिक जो है, हमारे जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, वो मिलकर उनको सुपरस्टार बना देते हैं, ठीक है, रातों रात सुपरस्टार बन जाता है बंदा सोशल मीडिया पे। तो वीडियो कैसी लगी, मुझे तो बहुत मजा आया वीडियो देखकर, अच्छी लगी। मोंटी राय के फैंस अगर हैं तो प्लीज, ये बुरा कुछ भी नहीं वीडियो में, जस्ट बताया गया कि यार एक बंदे की लुक ऐसे ऐसे चेंज होती है। तो अगर आपने नहीं देखा था चलो, या आपने देख लिया, तो अगर मोंटी राय आपको अच्छे लगा तो जरूर लाइक करिए। तो ये नजर के धोखे से जरूर बचें, कभी भी धोखा खा के किसी भी अच्छी दिखने वाली चीज को के पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए, ठीक है। सामने से दिखने वाली चीज अंदर से कुछ और भी हो सकती है, ठीक है। तो आपके लिए था एक मैंने वीडियो बनाया, इसको आपने लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। तो मिलेंगे फिर और अच्छी सी वीडियो के साथ, अभी तक के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।